गंदे पानी की निकासी के लिए गांव-गांव में पक्की नाली होना चाहिए, परंतु ललितपुर जिले के वृद्धा ब्लॉक के ग्राम छिल्ला में पक्की नाली न होने के कारण हनुमत सहित 500 लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या समस्या है आपको? नाली की समस्या है, कड़ाई पड़ेगी और बाल बच्चे रोटी पानी खासो जी मक्खी वगैरह कीटाणु बीमारी फैल रही के लिए आपने किसी से कहा, प्रधान से या किसी प्रधान से कहा? मेम्बरों से कहा, तो वे कहते हैं बनवा देंगे, कोई नहीं बनवाई। कितने साल से नाली नहीं बनी है जी? कम से कम 7-8 साल से, दो पंचायत में। आप क्या चाहते हो? हम नाली बनवाना चाहते हैं, नाली बन जाए, बंद हो जाए। नाली यहाँ बनी नहीं हुई, ये खुलाऊ नाली है। यहाँ नाली का पानी है जो पूरी रोड पर आता है, वहाँ आने जाने में सुविधा, बच्चे विद्यालय जाते हैं तो उनके लिए भी असुविधाजनक होता है। और यहाँ प्रशासन कोई सुविधा मतलब सुन नहीं रहा है हमारी बात को। इसके लिए आपने किसी से कहा? हाँ, हम लोगों ने प्रधान जी से कहा था इसके बारे में, तो प्रधान जी ने भी नहीं इसको टार दिया और कहते हैं कि हो जाएगा, आज देखने के लिए भी नहीं आए हैं। मैं चाहता हूँ कि इस गाँव में पक्की नाली का निर्माण हो, ताकि गंदे पानी से होने वाली समस्याओं से यहाँ पर रहने वाले लोगों की समस्याएं दूर हो सकें। इसके लिए आप लोग हमारे वृद्धा ब्लॉक के वीडियो के मोबाइल नंबर पर फोन करके दबाव बनाएं, ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। इनके मोबाइल नंबर है 94-53-62-23-90। मैं शंकरलाल रेकवार बुंदेलखंड क्षेत्र ललितपुर से, इंडिया अनहर्ड के लिए।